हाय फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन, जब समय 2 वर्ष हो और जब समय 3 वर्ष हो। तो 2 वर्ष में कैसे सॉल्व करेंगे, 3 वर्ष में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड शॉर्ट कट फार्मूले में। देखो, पहला क्वेश्चन आप सामने रहा। पहला क्वेश्चन है कि कोई धन 10% दर, इसने दर तो दे रखी है यहाँ पे 10% समय दे रखा 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 है। तो मूलधन ज्ञात करना, मूलधन इसका ज्ञात करना, मूलधन में क्या होगा ज्ञात करना, ठीक है। जब इसने अंतर ज्ञात करना तो अंतर ज्ञात कर सकते, अंतर दे रखा है तो कैसे ज्ञात करना, मूलधन कैसे ज्ञात करना। देखो, फार्मूला है इसका डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू अब तीनों, ये तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला है। ये कितने वर्ष के लिए फार्मूला, 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष दिया तो उसके लिए क्या करेंगे, 300 प्लस आर बटा 100 इतना और लिखेंगे, 300 प्लस आर बटा 100 इतना और लिखते हैं। देखिए, तो डी एन डिफरेंस कितना, 620। पी तो ज्ञात करना है, आर कितनी दी 10, तो 10 दम 100 बट्टा 100 गुणित 100 इंटू 310 300 में आर जोड़े 10 और 100 100 से 100 कट गया, सीपर कट गए 31 दूनी 62, एक सीपर यहाँ लग गई। अब ये पी का गुणा यहाँ होगा तो पी इज इक्वल टू 20 तो ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 सीपर 20,000 रुपये इसका राइट आंसर हो गया। मूलधन कितना हो गया, 20,000 हो गया। आई होप कि सामने आ गया होगा, ये 3 वर्ष के लिए फार्मूला दोस्तों। अब करते हैं 2 वर्ष के लिए। इसने ये कोई धन 4% दर से 2 वर्ष के लिए साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। देखो, इसने दिया दर बराबर 4% और समय दिया 2 वर्ष और अंतर दिया 8 रुपये, तो पी इसमें ज्ञात करना, मूलधन इसमें ज्ञात करना। जब 2 वर्ष दिया तो डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, यही फार्मूला होगा, इतना ही फार्मूला होगा 2 वर्ष के लिए। तो डिफरेंस कितना है, 8 रुपये, और पी तो ज्ञात करना है इंटू आर दर 4 है तो 4 × 4 बट्टा 100 × 100 1, इस 4 से यहाँ काटेंगे 25 × 100 और इस 4 से इधर कट जाएगा 4 × 8 25 × 50 पी बराबर 25 × 50 25 × 50 और 2 सिपर वो इसके लग जाएगी, 5,000 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। आई होप के समझ में आ गया हूँ, है ना। इसका इधर क्रॉस गुणा कर दो और इसका पी का इधर गुणा कर दो, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए।
कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। देखो बहुत कठिन सवाल दिया। देखो इसने सीआई दे रखा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट के दे दिया 252 और रेट दर दे रखी इसने 5% और समय दे रखा इसने 2 वर्ष। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष दे रखा। समय 2 वर्ष तो पी इसमें ज्ञात करना। अपनों क्या ज्ञात करना है? पी बराबर ज्ञात करना। अब दोस्तों इस दर से दर 10% दे रखी इसने। देखो तो 10/100, 10% दर 10/100, सिपर सिपर कट गई, 10 पर ₹1 ब्याज, 10 पर ₹1 ब्याज मिलता है तो मिश्रधन कितना हो गया? ₹11। मिश्रधन कितना हो गया? ₹11। 10 पर ₹1 ब्याज तो मिश्रधन कितना हो गया? ₹11। देखो अब यहाँ ₹10 अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ₹11। फिर 2 वर्ष है तो ₹10 मूलधन तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ₹11 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 11 11 121 होगा। 10 दाम कितना होगा? 100 होगा। आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ब्याज? ₹21 आएगा। कितना आएगा? ₹21 आएगा। अब अपनों को ब्याज चाहिए 252 चाहिए, 252। अपनों को ब्याज कितना चाहिए? यहाँ ब्याज कितना चाहिए? 252 चाहिए। तो इसमें 21 का भाग लगा दो, 21 21 एकम 21 21 42 12। तो 12 का गुणा यहाँ पे भी कीजिए और 12 का गुणा यहाँ पे भी कीजिए। तो 12 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। और 12 एकम 12 का 2 अंशिला 1 12 2 24 1 25 252, यानी कि 252 कितने रुपए पे आ रहा है? 1200 रुपए पे आ रहा है। तो P बराबर कितना हो जाएगा अपना? 1200 रुपये। थैंक यू। इस ढंग से आ सकता है। मूलधन कितना रुपया आ गया? 1200 रुपये। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन हो रहा है, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1 क्वेश्चन है, 16000 रुपये 2 वर्ष का 10% दर से 6 माही ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? 6 माही दर। देखो
10% इसने छमाही दिया तो दर कितनी 10% है, 10 का बटा 2 दर आधी हो जाएगी तो कितने हो जाएगी 5% हो जाएगी। और समय कितना है 2 वर्ष है तो 2 × 2 = 2 दिन बराबर 4 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष दुगना हो जाएगा है ना। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों अब दर 5% से सोल्व करेंगे। तो 5/100 5 × 5 = 10 = 20 तो 1/20 20 पर ₹1 ब्याज यानी कि 21। तो देखो ₹20 ब्याज मूलधन पर ₹21 मिश्रधन अपने को 4 बार निकालना है। तो फिर 20 = 21 21 441 9261 और इनका 4 बार अगर गुणा करें तो कितना है दोस्तों 19000। देखो 160000 है और इधर देखो 2 × 4 × 8 × 16 16 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 21 2 10 1 लाख 160000 और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1,94,000 1,94,481 481 आएगा। ये इधर अगर माइनस करेंगे तो ये 1, 8, 4 और 14 में 6 गया तो कितना बचा 4, 6 में 9 में से 6 गया तो 3 34,481 ये इसका आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 34,481 ये इसका राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।